इन जजों के इस गलत फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे, हम 5 लाख नहीं देंगे, अगर हमें जेल जाना पड़ा तो हम जेल जाएंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ये सरासर न्याय की अवमानना है। तो मुझे लगता है कि इस बार आदिवासी राष्ट्रपति अपने अधिकार का उपयोग करेंगी और आदिवासियों के ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगी। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के प्रेस क्लब, और प्रेस क्लब में आज बैठक हुई थी जिसमें अरुंधति रॉय जैसी सामाजिक कार्यकर्ता और हिमांशु कुमार जैसे कार्यकर्ता जो हमेशा से आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमेशा से लड़ते आए हैं। जिस तरीके से आप सामने देख सकते हैं 2009 का जो गुमपैट का जिनोसाइड हुआ था, उसी के चलते जब हिमांशु कुमार जी याचिका दायर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फैसला सुनाकर वो याचिका खारिज कर देता है और उसके बाद जो है 5 लाख का जुर्माना लगा देता है। तो सर, ये जो इस तरीके की राजनीति की जा रही है, जो अगर हक अधिकार की बात करता है उनको जेलों में ठूस दिया जाता है, लगातार हम देख रहे हैं, उमर खालिद हो चाहे दिशा रवि हो, जो भी सामने आते हैं तो उनको डाल दिया जाता है, ये कब तक और कैसे चलता रहेगा? देखिए, इस वक्त जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो जिस तरीके से बड़े पूंजीपतियों, बड़ी कंपनियों के हितों के लिए न्याय का गला घोट रही है, न्याय के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों पर हमला कर रही है, चाहे वो तीस्ता सीतलवाड़ जिन्होंने गुजरात दंगों के लोगों के लिए न्याय मांगा। अब देखिए, तीस्ता की क्या गलती है, वो वकील है और वकील के पास लोग आए कि हमारे घर वालों का कत्ल हुआ है, आप हमारा लिए कोर्ट में केस लड़ दीजिए, तो वो कोर्ट आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तुम कोर्ट क्यों आए, हम तुमको जेल में डाल देंगे। तो ये क्या बात हुई, हम लोगों के पास लोग आए कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम कोर्ट आ गए, तो अब कह रहे हैं आपके ऊपर 5 लाख जुर्माना लगा देंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ये सरासर न्याय की अवमानना है, और हम सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करेंगे, हम न्याय की रक्षा करेंगे, हम इन जजों के इस गलत फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे, हम 5 लाख नहीं देंगे, अगर हमें जेल जाना पड़ा तो हम जेल जाएंगे। मतलब आप, मतलब अपने जो कहे अनुसार जो आपने कहा कि जुर्माना नहीं देंगे, तो फिर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और न्यायपालिकाएं काम कर रही है, तो क्या जेल जाएंगे आप? जाएंगे, डर नहीं लग रहा? बिल्कुल, डरने की क्या बात है भाई, न्याय के लिए जेल जाना तो इस देश के शहीदों की परंपरा है। इस देश में आज़ादी ही जेल जाकर मिली है, हजारों लोग जेल गए हैं, और जेल जाना जो है वो तो शान की बात है, न्याय के लिए जेल जाना, हम कौन सा गलत काम करके जेल जा रहे हैं, बिल्कुल जेल जाएंगे, गाना गाते हुए जेल जाएंगे और जेल में भी गाने गाएंगे, सजा भुगतेंगे, लेकिन अन्याय नहीं सहन करेंगे। मगर जिस तरीके से अब न्यायपालिका आरोप लग रहे हैं, न्यायपालिका पे नतमस्तक हो गई है एक पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से फैक्ट चेकर थे जुबैर, उनको भी अलग अलग FIR के तहत जो है उन पे मुकदमे चलाए गए, जबकि वो अपने किसी पहली FIR के तहत वहाँ जाते हैं और उनको दूसरी FIR के तहत पकड़ लिया जाता है। ये तो कब तक सिलसिला चलता रहेगा सर? देखिए, सिलसिला तो तब तक चलता रहेगा जब तक जनता संगठित होकर के इन सारी चीज़ों के खिलाफ खड़ी नहीं होगी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता को समझ में आए, जनता संगठित हो और जनता इन चीज़ों के खिलाफ खड़ी हो, जनता ही रोक सकती है। तो जनता कब खड़ी होगी सर? आप, वो तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि डेट बता दूँ, लेकिन जितना तेज होगी ये प्रक्रिया उतना जल्दी हमें नतीजे मिलेंगे। सर, अभी जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी अब आदिवासी समाज से आती हैं, राष्ट्रपति बनी है, गर्व की बात है, अब बन चुकी हैं, और वहीं आदिवासियों का हम जेनोसाइड देखते हैं और वहाँ पर आप जैसे कार्यकर्ता के ऊपर जुर्माना लग जाता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी महिला के चुने जाने का हम स्वागत करते हैं, वो बहुत अच्छा कदम है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आदिवासियों के साथ होने वाले अन्याय की तरफ ध्यान देंगी और वो उसको रोकने के लिए सरकार को जरूर निर्देश देंगी। भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो आदिवासियों के साथ होने वाले अन्याय पर बिना सरकार की को सूचित किए, बिना सरकार से इजाज़त लिए राष्ट्रपति सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इस बार आदिवासी राष्ट्रपति अपने उस अधिकार का उपयोग करेंगी और आदिवासियों के ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी।
सर, जिस तरीके से मतलब दलितों के समाज से आकर जैसे रामनाथ कोविंद जी थे उनको बनाया गया था, अब जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी को बना दिया गया, तो ये दलित और एससी एसटी ये और आदिवासियों का कार्ड खेल रही है क्या, ऐसे आरोप लग रहे हैं भाजपा पर? हाँ देखिए, चेहरा सामने करके और उन्हीं समुदायों पर हमला करने की राजनीति तो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी दलित का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना या किसी आदिवासी का राष्ट्रपति बनना, उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। उस जगह कोई सवर्ण बनता तो वो अन्याय ना करता, ऐसा भी नहीं है, या अन्याय रुक जाता। इसलिए एक दलित बना, एक आदिवासी बना, उसका स्वागत है। स्वागत तो करते हैं सर, लेकिन रामनाथ कोविंद जी भी थे, बैठे थे, अब हमारे पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं, लेकिन लोगों के उन पे भी आरोप लगते रहे, कभी उन्होंने हक अधिकार की बात नहीं की। भारतीय समाज जो है उसमें बहुत सारे अन्याय विद्यमान है, जाति पाति एक अन्याय है, सांप्रदायिकता है, महिलाओं के साथ भेदभाव है, इन सारे अन्यायों के खिलाफ हमको समाज को संगठित करके समाज को बदलने के लिए काम करना पड़ेगा, हम लोग तो वही काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ थे हिमांशु कुमार जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, हमेशा से आदिवासियों की आवाज़ उठाते रहे हैं और एससी एसटी दलित समाज के लिए भी वो लड़ते रहे हैं, हमेशा से जो है इस समाज के लिए हक अधिकारों की बात करते रहे हैं, मगर जब दलित समाज के जो लोग हैं और जो आदिवासी लोग हैं जिनका जेनोसाइड हुआ था 2009 में, आपको याद होगा, उसके लिए जब याचिका दायर करते हैं तो वहीं सुप्रीम कोर्ट वो याचिका खारिज कर देती है। और वहीं आप देखिए किस तरीके से जो विजय माल्या थे, किस तरीके से देश का पैसा लेके भागे, उनके ऊपर 2000 जुर्माना लगता है और 4 महीने की जेल मुकर्रर की जाती है। लेकिन वहीं आप ये दोहरी मापदंड की जो राजनीति है वो देखिए, वहीं जो सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं उनके ऊपर 5 लाख जुर्माना हो जाता है और उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है। क्या ये एक तरफा जो निष्पक्ष ना रह करके न्यायपालिकाएं नतमस्तक हो गई हैं, फैसला सुनाती है, उस पर आपके क्या विचार हैं और आप समझ भी रहे होंगे? तो उसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, प्रेस क्लब, दिल्ली।